हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर की सीरीज़ में आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपको हमारी वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है और डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज की हमारी वीडियो किस लिए है, किस टॉपिक पर है। तो आप मुझे कॉमेंट करके भी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, सो अभी हम जो पढ़ेंगे आज, वो हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस का एक टाइप है जो कि है मॉनिटर, या जिसे हम वीडियो भी कहते हैं, उसके बारे में। तो हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो हमारा इनपुट डिवाइसेस, एक होता है हमारा CPU और एक होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये सारी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जिनका आप लिंक डिस्क्रिप्शन से आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आज हमारी है, उसमें एक जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उस आउटपुट डिवाइस में आज जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में, यानी कि वीडियो के बारे में। वीडियो की सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जहाँ बीच में अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। फर्स्ट लाइन, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। वीडियो स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या करता है ये क्या करता है? ये एक स्क्रीन होती है जिस पर कंप्यूटर अपने आउटपुट को शो करता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर हम कोई इनपुट देंगे, उसकी अगर प्रोसेसिंग होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई फ़ोटो होता है, कोई फाइल होती है, उसे वो डिस्प्ले करने के काम आता है। क्या करने के काम आता है? डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब है दिखाने के काम आता है। तो ये होता है हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, वीडियो शॉर्ट फॉर्म है, वर्तमान में हम इसे मॉनिटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ द मॉनिटर। यहाँ एक फ़ोटो है जो आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो यानी कि मॉनिटर के बारे में है। टाइप ऑफ द मॉनिटर क्या है, यानी कि मॉनिटर कितने तरह के आते हैं। तो हमारा जो पहला मॉनिटर है, यानी जो सबसे पहले काम में लिए गए थे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्स, वो था हमारा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब था। बाद में आए थे, वो आए थे LCD, LED, प्लाज्मा और भी कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं, कैथोड रे ट्यूब, LCD, LED और प्लाज्मा। ठीक है, अब धीरे धीरे एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब्स क्या होती हैं, LCD क्या होती हैं, LED क्या होती हैं, प्लाज्मा क्या होता है। देखिए, अब हम चल रहे हैं सबसे पहले CRT की तरफ। CRT पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि वॉट इज़ CRT। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CRT की फुल फॉर्म लिखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, यानी CRT की फुल फॉर्म हो गई आपकी कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है कि वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है और फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। क्या होता है ये देखिए, वैक्यूम ट्यूब होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। काफ़ी पहले कैथोड रे ट्यूब काम में लिए जाते थे, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चिप वगैरह भी होती ही हैं, लेकिन ज़्यादातर वैक्यूम ट्यूब से बनाई जाती है। आपने ये जो मैं फ़ोटो यहाँ लगाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुराने वाली जो TV होती थी हमारी, या पुराने वाले जो किसी ऑफिसेज में देखे होंगे, अब कहीं पुराने अगर स्क्रीन रखी हुई है, वहाँ पे इस तरह की बड़ी वाली स्क्रीन रखी होती थी, जो काफ़ी मोटी होती थी, जिसके पीछे एक अलग से बॉक्स बना होता था। ठीक है, वो होती है हमारे CRT। ये पीछे जो बॉक्स बना हुआ है, उसके पहले मैंने यहाँ पे एक और चित्र डाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आगे जो सर्कल बना हुआ है, वो आपका स्क्रीन बना हुआ है, और उसके पीछे यहाँ पे कुछ मशीन जैसी लगी हुई है, जिसमें से रेज आ रही हैं रेडिश ब्राउन ऑरेंज कलर में, यहाँ पे आपको रेज़ आती हुई दिख रही हैं। वो रेज़ क्या हैं? वो आपकी इलेक्ट्रॉन गन है, और आगे जो स्क्रीन है, उस पर पेंट हो रहा होता है, ये फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन भी कहते हैं और फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्रीन होती है, उस पर पीछे से उसको पेंट कर दिया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है ऑरेंज कलर के इलेक्ट्रॉन, जब पीछे से आकर उस पर टकराते हैं, तो उस पर हमें चित्र दिखाई देते हैं। चूंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन गन होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को आगे फेंकती है और वो आके स्क्रीन पर टकराते हैं, तो उनको आने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है, इस वजह से ये स्क्रीन पीछे से काफ़ी मोटी हुआ करती थी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, यानी जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो आप देखेंगे हल्के लाइट येलो कलर में हैं, वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होके आते हैं, यानी कि इसके चारों तरफ हम कुछ फील्ड लगा देते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वहाँ से जब गुजरती है
यानी कि विद्युत चुंबकीय फील्ड लगाया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय फील्ड से जब ये इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो हमें स्क्रीन पर टकराने के बाद वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से सीआरटी बनाया जाता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। आजकल ये वाली स्क्रीन प्रचलन में बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं एलईडी के बारे में। तो पहली बात बस यही पूछेंगे कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म हो गई लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पे अंडरलाइन हो रखी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है। जैसा हमने पहले वाले फिगर में यहाँ पे देखा था, ये फ्लैट पैनल जिसमें पीछे मोटा नहीं होता है, ये हमारी एलईडी स्क्रीन्स होती हैं। ठीक है, फ्लैट पैनल होता है इनका। इसमें डायोड लगे होते हैं। डायोड लगे होते हैं यानी कि ये सेमीकंडक्टर अर्धचालकों से बनी होती है। जबकि हमने देखा कि जो सीआरटी होती है वो आपके कैथोड रे से बनी, सॉरी वैक्यूम ट्यूब से बनी होती है। जबकि आप एलईडी के बारे में देखेंगे कि ये डायोड यानी सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालकों से बनी होती है। इसके आगे देखते हैं, आगे है एलसीडी। एलसीडी में क्या होता है, माफ कीजिए, एलसीडी में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी फुल फॉर्म हो गई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो लाइट होती है उसको पोलराइजेशन टेक्निक से यूज़ किया जाता है। यानी लाइट को क्या किया जाता है, पोलराइज किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है देखिए बताती हूँ, इसमें क्या होता है, कई सारी पतली पतली प्लेट्स होती हैं और उन प्लेट्स पे लाइट को गिराया जाता है और उसमें जो टेक्निक काम में आती है वो पोलराइजेशन की टेक्निक काम आती है, ध्रुवण कहते हैं जैसे हिंदी में। ठीक है, तो इस टेक्निक के माध्यम से उन पतली पतली प्लेट्स पर जब लाइट आती है तो हमें स्क्रीन पर जो भी चित्र देखने होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो मॉनिटर वाला टॉपिक है, वो मॉनिटर वाले टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो हमें देखनी है कि वो क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं वो देखते हैं कि हमेशा स्क्रीन के साइज़ को डायगनली मेज़र किया जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपकी स्क्रीन जो है वो 21 इंच की है, ठीक है, उस 21 इंच का क्या मतलब है कि उसकी लंबाई 21 इंच है या चौड़ाई 21 इंच है, उसका मतलब है कि वो डायगनली 21 इंच की है। डायगनली का मतलब होता है कि बिकर्ण एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर के को नापने के लिए, ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जो लेंथ होती है उसे डायगनली कहा जाता है। दूसरा आपको दिया गया है कि मॉनिटर रिजोल्यूशंस मेजर इन पिक्सल्स। मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो मॉनिटर का क्वालिटी कह सकते हैं आप एक तरीके से, या उसमें जो पिक्चर दिखाई देगी वो कितनी क्लियर दिखाई देगी, उसे किस में नापा जाता है, पिक्सल्स में नापा जाता है। क्या मतलब है पिक्सल्स का, मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये जो जी लिखा हुआ है वो छोटे छोटे डॉट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, और इन डॉट्स को कहा जाता है पिक्सल्स। ठीक है, वापस आते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी मॉनिटर अगर होता है ना, तो वहाँ पे जो कोई भी पिक्चर हमें दिखाई देती है, जो ग्राफिक्स दिखाई देता है, जो डायग्राम या अक्षर दिखाई देते हैं, वो छोटे छोटे डॉट की फॉर्म में दिखाई देते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, छोटी छोटी डॉट में आपका अक्षर लिखा हुआ है। अब ये जो होते हैं पिक्सल्स, ये तो हो गए पिक्सल, जो डॉट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पिक्सल। पिक्सल से हम क्या मेज़र करते हैं, किसी मॉनिटर की क्वालिटी को मेज़र करते हैं। पिक्सल्स में क्या होता है कि खड़े में, जैसे ये लंबाई जो होती है, खड़े में भी कुछ डॉट होते हैं और आड़े में भी कुछ डॉट होते हैं। जैसे अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो लंबाई में भी आप कुछ डॉट्स देख रहे हैं और आड़े भी कुछ डॉट देख रहे हैं। तो रोज़ में और कॉलम्स में कुछ डॉट्स होते हैं, तो जो रोज़ में होते हैं और कॉलम्स में होते हैं उनको मिला के उसका रेजोल्यूशन कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई स्क्रीन है और अगर उसके खड़े में 800 और आड़े में 600 पिक्सल्स हैं, तो उसकी क्वालिटी हो जाएगी 800 × 600। ठीक है, अगर पिक्सल्स के बीच में कोई खाली जगह होती है तो उसे डॉट पिच कहते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, इसमें जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, या फिर मैं यूँ कहूँ जितने डॉट पिच होंगे, जितने ज़्यादा डॉट पिच होंगे उतनी ख़राब क्वालिटी होगी। डॉट पिच मतलब खाली जगह और पिक्सल मतलब भरी हुई जगह। तो जितनी भरी हुई जगह होती है, पिक्सल्स होते हैं, उतना गुड क्वालिटी होती है। जितने डॉट पिच ज़्यादा होते हैं यानी खाली जगह ज़्यादा होती है, उतनी ख़राब क्वालिटी होती है। यानी डॉट पिच होने चाहिए कम और पिक्सल्स होने चाहिए ज़्यादा।
ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के बात ये थी कि पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होते हैं उन्हें रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन जितना अच्छा होता है, यानी पिक्सल जितने ज़्यादा होते हैं क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, डॉट पिच जितने ज़्यादा होते हैं क्वालिटी उतनी ख़राब होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। सीखते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।